हाय एवरीवन, वेलकम टू चेन्नई एक्सप्रेस रियल लाइफ। मैं आज आपके लिए बहुत ही सिंपल रेसिपी लाई हूँ, वो है पूरी और बेसन की रेसिपी। बेसन जो है बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है, आप इसे कम समय में बनाकर सभी को खिला सकते हैं और बहुत कम सामानों में बनता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे वेजिटेबल कट कर लिया है, मिर्च जो है मैंने लंबे कट किया है, दो बड़े प्याज कट किया है, दो मीडियम साइज़ के टमाटर और करी लीव्स 8 से 10 लिया है। यहाँ पे मैंने पैन बैठाया है, उसमें मैंने 3 से 4 स्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें मिर्च डाल देंगे। मिर्च जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैं मिर्च को अच्छे से फ्राई होने दूंगी। देख सकते हैं कितना अच्छा फ्राई हो चुका है। इसमें हम 1/2 स्पून जीरा डालेंगे, 1/2 स्पून राई डालेंगे। अब हम इसमें करी लीव्स डाल देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। करीबन कुछ सेकेंड के लिए मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे और ऑनियन को भी अच्छे से फ्राई कर देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और जब तक हमारा ऑनियन फ्राई होता है, तब तक हम जो है बेसन भिगोकर रेडी रख देंगे। मैं आपको बताती हूँ, बेसन यदि भिगो के पहले से रखते हैं तो बेसन बहुत ही अच्छा बनता है। करीबन बस 5 मिनट इसको भीगना रहता है। तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून जो है बेसन लिया था, 3 स्पून पानी लिया था, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला है बेसन के अकॉर्डिंग, जिससे हमारा बेसन जो है जब तक प्याज बनता है तब तक वो अच्छे से भीग जाए, जिससे हमारा बेसन का टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। तो आपके पास यदि कोई सब्ज़ी ना हो तो तब ये बेसन की रेसिपी आप बना सकते हैं। आपको ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही मज़ेदार रहता है। जब तक मेरा प्याज बन रहा था तो मैंने यहाँ पे आटा गूंथ लिया है पूरी के लिए। देख सकते हैं पूरी ना मेरा हार्ड है ना सॉफ्ट है, इसी तरीके से आटा गूंथना है। और यहाँ पे मेरा प्याज जो है भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब मैं वहाँ पे पूरी की जो है लुई बना लेती हूँ और उसे बेल कर जो है मैं रेडी कर लेती हूँ, और साथ में इसको जो है मैं मिक्स करती जा रही हूँ। पूरी बनाने का एक ट्रिक है जिससे आपकी पूरियाँ जो है फूली फूली बनेगी। अब मैंने इसमें सॉल्ट डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जो है इसमें सॉल्ट डाल दीजिएगा। और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, सॉल्ट जो है बेसन में है पहले से, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्ट डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। और हल्दी जो है आप स्किप कर सकते हैं। तो हमारा टमाटर को और थोड़ा पकना है, तो मैंने यहाँ पे इसको कैप लगा देंगे और साथ में मैंने यहाँ पे पूरियाँ बेल दिया है। और ये देख सकते हैं हमारा टमाटर पका नहीं था, उसे और थोड़ी देर पकना है, तो मैंने फिर से कैप लगा दिया था। तो हमारा टमाटर जो है बहुत ही अच्छे से गल जाना है, जिससे बेसन जो है बहुत ही अच्छा लगे। तो आप जब कुछ बनाने की इच्छा नहीं होता, बहुत आलसपन आता है, तो इस बेसन को बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है, नहीं कोई टाइम लगता है ना कुछ, ना झंझट रहती है। और ये बेसन को देख सकते हैं मैं मिला रही हूँ, क्योंकि नीचे से जो है बेसन जम जाता है, तो इसी तरीके से मिलाकर जो है बेसन हमें डालना है और इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है पूरा 5 मिनट तक, कि जिससे हमारा बेसन जो है अच्छे से पक जाए। और लो फ्लेम में ही इसको पकाना है। तो मैं इसे कंटिन्यूसली मिलाती जा रही हूँ, देख सकते हैं। तो हमारा बेसन जो है अब रेडी हो चुकी है, ये देखिए हमारा, ये इसी तरीके से हमें बेसन की चाहिए है। तो हम अब इसको हटा देंगे और साथ में हम स्टार्ट करेंगे पूरी बनाना। तो मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर दिया था, अच्छे से हमारा ऑयल गरम हो चुका था। तो अब मैंने पूरी डाला है, ये देख सकते हैं हमारी पूरी कितनी अच्छी फूली फूली सी है। तो पूरी बनाने का एक ट्रिक है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप पूरी बेलते हैं तो उसमें बिल्कुल हवा नहीं लगनी चाहिए। यदि आपकी हवा लगती है तो पूरी जो है फूली नहीं बनेगी और हार्ड बनेगी। यदि उसमें आप जब पूरी बेलते हैं तो आप उस समय कोई कैप से ढक दीजिएगा, या किसी गीले कपड़े से आप इसे ढक सकते हैं, नहीं तो कोई पेपर से ढक दीजिएगा, इससे आपकी पूरी जो है फूलेगी। और मैंने इस आपको ख़ास बात ये बताना चाहूँगी, मैंने इस आटे में कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक और पानी से ये आटा गूंथा है। बहुत से लोग हैं बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, खाने वाला सोडा, खाने वाला पाउडर, ऑयल, मिल्क, ये सब डालते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को डालने की ज़रूरत नहीं है। और ना ये मैदा डला है, ये पूरा सिंपल वीट फ्लोर से है। और ये देख सकते हैं ये मेरी पूरी आखिरी है, जो ये भी फूली फूली सी आई है। तो ये देख सकते हैं पूरी पूरियाँ जितनी भी है मेरी पूरी फूली हुई है। तो
तो ये अब ये ट्रिक फॉलो करिए तो आपकी पूरी भी ऐसी फूली फूली सी आएगी और आपको भी बहुत खुशी होएगी जिसे मुझे होती है। तो अब मैं वो प्लेट में सर्व करती हूँ अपनी पूरियाँ। तो ये देख सकते हैं मैंने पूरी सर्व कर दी है और साथ में मैंने बेसन सर्व किया है और थोड़ा सा अचार और साथ में करी दही। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।